इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। मैं सफारत कार की तरफ फिर वापस आता हूँ, लेकिन क्या आपको एक इंश्योरेंस करवाएगी कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो 370 को तो उसे रख देते हैं, 35A पे क्या करेंगे। देखिए, 370 तो उनका अंदरूनी है ना मसला, कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो कहते हैं आपने हमसे वादा किया था, आपने हमारा तशख्स मिटा दिया। तो वो उनकी अपनी वहाँ के उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनका इजहार भी किया और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे मसला अभी भी ज़ेरे इल्तवा है और लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जो इकदाम भी उठाए गए, चाहे 35A की शक्ल में या 370 की शक्ल में या और जो ट्रैकोनियन इकदाम वहाँ उठाए गए और जो वहाँ जुल्म और बर्बरियत बरपा की गई, उस पर आप देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ी सख्त उसका एक रिएक्शन आया। और आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात पर मुत्तफिक है कि इन इकदाम से हमने, हिंदुस्तान ने खोया ज़्यादा है और पाया कम है। क्या 35A पे इस ये जो भी बैक चैनल को आप नाम दें, वहाँ पे हमें कोई यकीन दहानी करवाएगी। देखिए, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कबल इस वक्त है, पर मैं ये कहूँगा कि अगर हमने मेज़ पे बैठना है और मेज़ पे बैठने के अलावा हल कोई नहीं है, दो एडमी को होते हैं जिनके आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जिनको रिजॉल्व होना है, आज कल परसों होना है, उनको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है। जंग तो ऑप्शन है नहीं, जंग तो खुदकुशी हो सकती है, और अगर जंग ऑप्शन नहीं है तो गुफ्तगू ऑप्शन है, गुफ्तगू अगर ऑप्शन है तो बैठ के हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो उस पर इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि उनका एक नुक्ता नज़र है, हमारा एक नुक्ता नज़र है, उन दोनों को समझकर कोई माकूल रास्ता निकालने की गुंजाइश है। लेकिन राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से कि 35A पे कुछ करने के लिए वो बात अभी अभी देखिए अभी कि टू अर्ली है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करते हैं और मामलात को बिगाड़ा उनने है और जो क्लाइमेट विशिएट हुआ है उसको वो दुरुस्त करने के लिए इकदाम उठाते हैं और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है, हम मुंतजर हैं कि हिंदुस्तान क्या वो करने के लिए तैयार है, अगर है तो हमें हमारा रवैया। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि मैं देने वाला हूँ अपना रिएक्शन। तो गाइस, आपको बता दें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है आर्टिकल 35A और धारा 370 को लेकर, मतलब आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि यह भारत का इंटरनल मैटर है, वो वहाँ पर जो कुछ करें तो करें। हालांकि इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान इसमें क्या बयान देता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान भारत में अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है तो डालनी पड़ती है कि पाकिस्तान आखिर इस टॉपिक के बारे में सोचता क्या है। ये वही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब ये कुछ दिन पहले तो इनका ऐसा रवैया नहीं था, लेकिन आपको बता दूँ कि अब थक हार कर इनको पता चल गया कि होने वाला कुछ नहीं है। मतलब आप कुछ भी कर लें, जुम्मे के दिन आधा घंटे खड़ा हो जाएं या कुछ कर लें, कश्मीर प्रीमियर लीग करा लें, मतलब जमाने भर की ये चीज़ें करा लें, इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के बारे में एक चीज़, ये पीरी फकीरी भी करते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में ये आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं और ये मतलब पीर फकीरी भी करते हैं। और मैंने शायद कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें रॉब क्लासरा खुलासा कर रहे थे कि ये पीरी फकीरी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और इन्होंने उससे 25-30 करोड़ रुपए की इनके अकाउंट में पैसे बना लिए हैं। मतलब वो पैसे, हो सकता है उसके सोर्सेज बहुत सारे भी हों, लेकिन ये पीरी फकीरी जो इनका सेकंड प्रोफेशन है और ये अच्छा खासा इससे माल बनाते हैं, हो सकता है इनके फॉलोअर इन पे काफ़ी विश्वास करते हों, हो सकता है इन्हें काफ़ी ज्ञान हो, जो भी मतलब जिस भी फील्ड में हो, मतलब हो सकता है ये उस चीज़ के ज्ञानी हों तो कर रहे होंगे। तो ये मैं इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर होने के साथ साथ पीरी फकीरी भी करते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं और कुछ जो भी होता है उनका, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा। तो ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं और ये मतलब
इनके पुराने अगर मैं बयान सुनाने लगूँ आपको तो आप भी बोलेंगे कि यार ये क्या इनका यू टर्न है यार, कैसा यू टर्न है। मतलब कश्मीर के अलावा भारत से बात ही नहीं हो सकती, आर्टिकल 35 ए और ये 370 अगर नहीं हटेगी तब तक हम भारत से किसी भी हाल में बात तो क्या तिजारत मतलब व्यापार भी नहीं करेंगे, मेडिसिन भी नहीं लेंगे। हालांकि इस बयान के बाद 2-3 दिनों बाद इन्होंने मेडिसिन लेना चालू कर दिया। गाइज अभी आपको देखा होगा आपने कि भारत में कोरोना फैला हुआ है और पाकिस्तान में मतलब इसे लेकर थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान के लोग ये भी कर रहे हैं कि मतलब इंडिया से कोरोना चला जाए, लेकिन इसको काफ़ी एन्जॉय किया जा रहा है पाकिस्तान में। अब बेसिकली मैं वो वीडियो डालना नहीं चाह रहा क्योंकि भारत में तो एक्चुअली में कोरोना फैला हुआ है। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें शोएब अख्तर मतलब ऐसा एंजॉय करते हुए बोल रहे हैं कि मतलब बड़ा व्यंगात्मक आयरोनिकली ऐसा टॉन्ट मार रहे हैं, कश्मीर कोरोना ये चीज़ों को कंबाइन करके ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी यूएई का जो विज़िट किया है उसके बाद से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान आया है। मतलब यूएई विज़िट से हो सकता है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है वो आप जानते हैं भारत में उनकी मतलब मोदी जी से कितनी अच्छी दोस्ती है और उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है भारत में, और अभी जब पेंडेमिक इंडिया में आया तो उन्होंने ऑक्सीजन भी भेजा, हालांकि उससे पहले इंडिया ने उनकी आबादी की आधी से ज़्यादा अमाउंट में वैक्सीन भेज दी थी। मतलब वहाँ तो कोरोना ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, आबादी ही नहीं है उन देशों की, कितनी कम आबादी है, सबको वैक्सीन वैसे ही लग चुकी है। तो हो सकता है ये प्रेशर बनाया गया हो MBS की तरफ से कि आप कश्मीर छोड़ें और इंडिया के साथ व्यापार चालू करें, नहीं तो हम आपके जो पाकिस्तानी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उनको निकाल देंगे या उन पर कोई एक्शन ले सकते हैं। ऑब्वियसली प्रेशर बनाया हो सकता है यूएई की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान में यूएई सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेशर बनाना बहुत आसान है। यहाँ से पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा मिलता है थ्रू इनके वर्कर, जो वर्कर काम करते हैं वो ऑब्वियसली घर में पैसा भेजेंगे तो पाकिस्तान को ही पैसा भेजेंगे, पाकिस्तानियों को इससे बहुत पैसा मिलता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के इस कमेंट पर जो आर्टिकल 35 है और आर्टिकल 370 को लेकर किया गया है, कमेंट बॉक्स में लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल में खामियां हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे हम उसे सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।